नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कंफर्म सूत्र बता रहे हैं। सुधाकर सिंह, जो कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने लिखकर बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव को भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके पिता जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुधाकर सिंह देखिए नाराज चल रहे थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त के महीने में, 16 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें सुधाकर सिंह जो कि जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन सुधाकर सिंह कई दफ़ा इस बात को खुलकर कैमरा पे कह चुके हैं कि हाँ, अधिकारी जो हैं वो चोर हैं, अधिकारी जो हैं वो चोरी करते हैं, लोगों को उन्हें जूते चप्पल से पीटना चाहिए। और इस बात को मानते हैं कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ, यानी कि बिहार के जो अधिकारी हैं उन्हें सीधे सीधे सुधाकर सिंह चैलेंज दे रहे थे। सीधे बात पर अगर हम आपको कह सकें तो सुधाकर सिंह के जो कह सकें बोल हैं, वो इन दिनों काफ़ी महागठबंधन के नेताओं को परेशान कर रहे थे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात करें, आज सुबह ही दोनों की मुलाकात हुई है। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का दिन है। ऐसे में सुबह में जब राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, तेजस्वी यादव उनके साथ साथ थे, और दोनों ने ही आपस में बातचीत भी की, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर है, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ साथ बैठे हुए थे, राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। तो ऐसे में सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं, हालांकि 2013 में उन पर कह सके तो चावल गबन का आरोप लगा था, वो एक बार जेल भी जा चुके हैं। लेकिन सुधाकर सिंह जो कि बिहार के कृषि मंत्री हैं, उन पर कई आरोप लगे हैं। आरोपों पर वो खुलकर जवाब भी देते हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट संज्ञान ले चुका है और कोर्ट ही इस पर फैसला सुनाएगा। सुधाकर सिंह सवालों से भागते नहीं है, लेकिन खुले मंच से सुधाकर सिंह कई दफ़े बिहार के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, बिहार के सिस्टम पर, बिहार सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। और वो कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं काम करने आया हूँ। लेकिन सुधाकर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है, जो कन्फर्म सूत्रों के हवाले से खबर है। सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा लिखकर तेजस्वी यादव को भेज दिया है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए, पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सुधाकर सिंह की बहस भी हो गई थी नीतीश कुमार से, ये भी खबर निकल के आई। नीतीश कुमार ने कहा भी कि उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न था तो हमने सवाल पूछा, यानी कि तकरार जो है वो पहले से चल रही थी। इस टकराहट के बाद अब सुधाकर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह महागठबंधन की सरकार बनने के लगभग 1.5 महीने के भीतर इस गठबंधन की सरकार को बड़ा झटका, सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया इस्तीफा, क्या बात हो गई, ये तो खैर सुधाकर सिंह बताएंगे, वो अभी कैमूर में है जो खबर निकल के आ रही है। लेकिन सुधाकर सिंह पटना में नहीं है, अब देखना यह है कि जब पटना वो पहुंचते हैं क्या बातें कहते हैं, क्या तेजस्वी यादव उन्हें मना लेते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें मना लिया जाता है, मान मनौल की स्थिति होती है। फिलहाल अभी सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, कन्फर्म सूत्रों के हवाले से खबर है, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री ने इस्तीफा लिखकर तेजस्वी यादव को भेज दिया है। वो बार बार कहते रहे हैं मेरे नेता लालू यादव हैं, मेरे नेता तेजस्वी यादव हैं, वो नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार को स्वीकार करने को पहले से भी तैयार नहीं थे और बातों से झलकता भी था। लेकिन अब क्या होगा आने वाले समय में, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।